जरूरत की। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ईमान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, सालार उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और सालार कहता है कि कोई भी माजी हकीकत हमारे रिश्ते को तोड़ सकती है। ईमान कहती है कि जो भी हो सालार, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी की हकीकत जानने का हक है मुझे। और दूसरे जहन भी ईमान से रबते में होता है और ईमान से कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, जिस जिसने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई है, तुम्हें दर्द पहुँचाया है, मैं उसे फांसी के फंदे तक तो पहुँचा कर ही दम लूँगा। इस सब में मुझे अपनी गर्दन ही क्यों ना कटवानी पड़े, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जमील आता है अब सवेरा से बात करने के लिए, कहता है कि हमारा रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। सवेरा कहती है कि हमारा रिश्ता तो उस रोज़ ही ख़त्म हो गया था जब मैं तुम्हारे घर छोड़ कर यहाँ पर आ गई थी। लेकिन जमील अब अपनी बेटियों पर हक जताने लगता है और कहता है कि मेरी बेटियाँ यहाँ पर हैं। सवेरा उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारती हैं। अब ईमान उस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करती है और सालार को बताती है कि जिस रात आग लगी थी माँ के साथ अनाया भी चली गई थी। अब सालार गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं जाना और अगर तुमने नहीं मिलना तो ना मिलो, लेकिन इस तरह तुम उसके वजूद को डराया मत करो। अब ईमान को भी बहुत बुरा लगता है जिस तरह सालार उसे बात कर रहा होता है।